और बताइए, 9 दिन का पावन पर्व महानवरात्रि चल रहा है और 9 दिन ही यहाँ पानी लगा हुआ है, बरमसिया है, बारह मास यहाँ पानी लगा रहता है, थोड़ी से भी हल्की बारिश हो तो गंगा बन जाती है। इस तरह का रास्ता माने मेन टाउन है, मेन टाउन में जो रास्ता है इससे नरक रास्ता कोई है नहीं है, समझ लिए ना। इसमें मंदिर है, सबसे बड़ा स्थापना मंदिर जो है वह अधमनाथ जी का मंदिर है, सब लोग इसी रास्ता से पूजा करने जाता है। अच्छा, गुटखा खा लिए हैं? इनको मैंने गुटखा बैन है, थोड़ा इन पे दिखाइए ना, गुटखा बैन है, सारा गुटखा खाए हैं, कहा कीजिएगा, हम लोग आदत है, मैंने आदत है। वाह अरे सर, इसको तो साफ कराइए, तो हम क्या कर, वही तो करवा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए, आप कम से कम एक एक वीडियो बना कर और इसको डाले होते सोशल मीडिया पर, तो कुछ ना कुछ इसमें समाधान और नहीं आएगा। पानी निकालने आया था, डॉक्टर साहब बोले कि छोड़ दो, पानी नहीं निकलेगा, चले गए मशीन लेकर चले गए। अच्छा, कौन डॉक्टर साहब बोले हैं? डॉक्टर सीएम गुप्ता क्या बोले हैं? बोले है कि पानी नहीं निकलेगा, चलो। अच्छा, तो पानी निकाल रहा था लेकिन फिर भी बोला कि चलो नहीं निकलेगा। अच्छा, तो मैंने वो क्यों बोले पता नहीं, क्यों बोले तो हमेशा आते हैं तो रोड का इसमें ध्यान कोई नहीं देते, खाली बोलते हैं कि रोड बन जाएगा, उसके बाद कोई ध्यान नहीं है। अभी हम छपरा में खड़ा हैं और यहाँ पे छपरा जंक्शन यहाँ से मात्र 100 मीटर के दूरी पे है और यहाँ पे देखिए पूरा इस रास्ता से वहाँ तक ले पूरा पानी लगा हुआ है। अभी प्रशासन के भी गाड़ी गया इसी पानी हेल कर, और देखिए यहाँ पे नगर निगम लोग कैसे हैं कि अभी तक जब से यहाँ पे हम आते हैं जाते हैं देखते हैं कि हमेशा यहाँ पे पानी लगा हुआ रहता है। आखिर ये सरकार सुशासन की सरकार बन गई है, और हमेशा लोग बोलता है, कुछ लोग बहुत लोग बोलता है कि ये जंगल राज है, यार हम क्या बोले यार, इसमें अगर यहाँ पे पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा डॉक्टर ही डॉक्टर है, और इसमें मरीज को ले जाना होगा तो कैसे ले जाएंगे, जो गरीब परिवार होगा अगर वो चाहेगा कि हम पैदल ले जाएं तो कैसे ले जाएंगे हैं आप लोग, यार कैसे हो गए हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी तो दोष है भैया, रुकिए नो, आप कहाँ के रहने वाले हैं? छपरा के ही रहे। अच्छा, देख रहे हैं जिस रास्ते से आए हैं पानी उनी है कि नहीं है? बहुत पानी है, हमेशा रहता है पानी, ये अवेलेबल पानी रहता है हमेशा, तो हाँ बरसात होता है तो पूरा पानी यहाँ तक ये वो गंगा बन जाती है क्या जी? ए आप लोग बताए, नगर निगम वाले अगर चाहेंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा, और सरकार चाहेगी तो एक दिन में रास्ता बन जाएगा, लेकिन कभी तक नहीं हुआ है। अभी तक कभी भी नहीं हो रहा है। कब से पानी ये लगता है, हमेशा या कब से? ये तो बहुत दिन से है, आज से नया तो नहीं है। चलिए हम नहीं जाएंगे कि जाम लग जाएगा, और आइए हम इसमें अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आता है कि निगम वाला लोग कैसा है। अगर चाहेगा तो 2 दिन अपना बिल्डिंग बना लेगा, और यहाँ से वहाँ तक पूरा डॉक्टर डॉक्टर है, अगर कोई मरीज को ले जाना होगा तो कैसे ले जाएगा, हमको समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे प्रशासन भी है और आगे थाना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? भगवान बाजार के। भगवान बाजार के, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बगल में थाना है और पूरा यहाँ के यहाँ से वहाँ तक ले पूरा डॉक्टर रहने वाले हैं, और यहाँ पे मैंने कहे तो मैंने हमेशा हमेशा यहाँ पे पानी लगता है, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहते हैं नगर निगम? सबसे पहली बात है कि ये तो नगर निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है जी। दूसरी बात ये है कि ये जो रोड और नाला, रोड हो गया है एकदम नीचा और नाला हो गया ऊपर, जितना भी नाला का पानी आता है ये सब ऊपर ही आता है। और बताइए, 9 दिन का पावन पर्व महानवरात्रि चल रहा है और 9 दिन ही यहाँ पानी लगा हुआ है, बरमसिया है, बारह मास यहाँ पानी लगा रहता है, थोड़ी से भी हल्की बारिश हो तो गंगा बन जाती है, या नाला का पानी रोड पे रहता है। और इस माने पावन पर्व में भी यहाँ पे लोग एकदम माने मोड़ी नाला हेल हेल कर गया है, और बताइए पूरा जब नाला नीचे रहेगा रोड ऊपर रहेगा तो पानी तो आएगा ही आएगा। ये हमारे नगर निगम और हमारी सरकार की गलती है, और आम जनता का भी गलती यही है कि वो लोग रोड बनने नहीं दे रहे हैं, वो रोड अगर बनती है तो नाला का पानी उनके घर में जाएगा, तो नाला का सबसे बनना जरूरी है, उसके बाद रोड का निर्माण हो। अच्छा, तो मान के चले आप लोग इसके लिए कुछ आवेदन दिए हैं? बहुत बड़ा आवेदन दे चुका गया है, उसी के चलते ये गाड़ी आई हुई है सामने देख रहे हैं, जो 24x7 यानी 7 दिन ये चलती है। अच्छा। और यहाँ से पानी निकल कर नाले में डाली जाती है। लेकिन बताइए, जब अगर इस तरह होगा तो अगर कोई मरीज को जिसको पास पैसा नहीं होगा अगर चाहेगा कि हम उसके पास में चला जाए पैदल, तो किस तरह जाएगा? अगर इसमें गिर जाएगा तो क्या होगा बताइए? उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, जो और भी इन्फेक्टेड और भी इन्फेक्ट हो जाएगा, जैसे किसी चीज़ का बीमारी है, घाव का भी पेशेंट भी जाता है, तो अगर नाला में गिर गया चाहे कुछ भी हो तो बीमारी और बढ़ जाएगी। बताइए, ये देख रहे हैं ना, सबसे पहले दोष तो सरकार की है, हम चाहेंगे कि इसमें हम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और प्रशासन और सुशासन एकदम बिल्कुल खराब हो गया है। आ जाइए,
अभी हम जानते हैं हम कहाँ खड़ा है, एकदम पानी में खड़ा है। और यहाँ पे पूरा यहाँ से वहाँ तक कुछ दूरी पर ही यहाँ पे प्रशासन है, यहाँ पे भगवान बाजार थाना है, और यहाँ पे हम पानी में खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। और आप लोग नगर निगम वाले थोड़ा सा शर्म कीजिए, आप लोग थोड़ा सा आप लोग शर्म कीजिए कि इसको क्या हाल किए हैं आप लोग हैं। अभी ठेहुन पर पानी लगा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पर एयर पंप आया हुआ है और यहाँ पे मशीन आया था कि जो यहाँ से पानी निकाल निकाल कर हैं। अब चला गया, अब नहीं आएगा, पानी निकालने आया था। हाँ। तो डॉक्टर साहब बोले कि छोड़ दो, पानी नहीं निकलेगा, चले गए मशीन लेकर चले गए। अच्छा, कौन डॉक्टर साहब बोले हैं? डॉक्टर सीएम गुप्ता। सीएम गुप्ता क्या बोले हैं? बोले हैं कि पानी नहीं निकलेगा, चलो। अच्छा, तो पानी निकाल रहा था लेकिन फिर भी बोला कि चलो नहीं निकलेगा। अच्छा, तो मैंने वो क्यों बोले पता नहीं क्यों बोले, तो हमेशा आते हैं तो रोड का इस पे ध्यान ही कोई नहीं देते, खाली बोलते हैं कि रोड बन जाएगा, उसके बाद कोई ध्यान नहीं है। वो भी पानी भी निकल रहा था, दुर्गा पूजा है वहाँ पे, दुर्गा जी रखाई है। हाँ। उसमें पानी निकल रहा था, वो भी बोला लिया, बोला कि नहीं निकलेगा पानी, छोड़ के चला गया। वाह रे सरकार वाह, इसमें क्या बोलना चाहते हैं चाचा, पानी में कैसा मजा होता है? मजा होता सर, देखते बनी कहीं तो नहीं, नगर निगम वाला की मजा है, सजा में मौत काटे लोग। अच्छा, और देखिए यहाँ पे अभी बारिश भी हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे बारिश आता है तो पूरा यहाँ पे पानी पानी हो जाता है, और हम पानी में खड़ा होकर इसलिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग शर्म कीजिए नगर निगम वाले। और सरकार की तो सबसे बड़ी लापरवाही है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर थोड़ा सा ज़्यादा बारिश होगा तो घर में घुस जाएगा, थोड़ा सा भी आप लोग शर्म कीजिए। और यहाँ पे कुछ लोग दुकानदार है, इसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे कब से इस सिलसिला को चल रहा है। आज भरत भैया आप ही दुकान चलाते हैं भैया? नहीं, क्या बात है बोलिए। अच्छा, देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी लगा हुआ है, अभी नवरात्र का दिन चल रहा है, आज दशमी है, और श्रद्धालुओं का इसमें मांगे चलिए आगे दुर्गा माँ का मंदिर है, और लोग कैसे पूजा कर जाएगा नाला पार करके? नहीं, इसको तो सफाई करवाना होगा। सफाई करवाना चाहिए, लेकिन कब सफाई होगा बताइए आप? शुरू से हम पहले दिन से ही देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी लगा हुआ है, कि कब सफाई होगा? आज ही होगा। आज ही होगा, माने दुर्गा पूजा खत्म हो गया तो सफाई होगा? ये तो आप जैसे मीडिया वाले हैं ना। हाँ। वैसे यहाँ का म्यूनसिपैलिटी जो है। हाँ। उसको ये देखना चाहिए ना, उसको देखना चाहिए जी, जैसे आप देख रहे हैं। हाँ। उन लोगों को ये नजर पड़ना चाहिए कि यहाँ पे भाई। अच्छा, नगर निगम वाले यहाँ पे आते हैं कि नहीं इसको देखने के लिए? नहीं आते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं नगर निगम वाले? जब नगर निगम वाले आते हैं तो उनसे हाँ। बोला जाता है कि आप लोग नाला साफ करवाइए। हाँ। आते हैं और खाली देख के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जाके देखिए वहाँ पे नाला में से पानी निकल रहा है, सब नाला बह रहा है, नाला बह रहा है। हाँ, नाला अच्छा, बह रहा है। ये जो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? समझेंगे, समझ लेंगे, समझ लेना। ऐसा ऐसा आदमी चाहिए हमारे बिहार में, और इसी तरह आदमी को बनाना चाहिए सीएम और पीएम, ना कि जो भ्रष्ट इंजीनियर है और भ्रष्ट इसमें नगर निगम वाले है उसको बना दिया जाए, और पता चले कि हम लोग नाला हेल हेल कर और जाएंगे रिपोर्टिंग करने, और नाला हेल हेल कर जाएंगे पूजा करने। यहाँ पे कुछ ही दूर पर यहाँ पे देखिए इस नाला से पानी निकल रहा था। वाह वाह अरे वाह। और यहाँ पे हम क्या बोले, यहाँ पे और लोग भी कुछ लोग हैं जिनसे हम कुछ बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ पर यहाँ। अच्छा, गुटखा खा लिए हैं? इनको मैंने गुटखा बैन है, थोड़ा इन पे दिखाइए ना, गुटखा बैन है, सारा गुटखा खाए हैं तो का किस जाएगा? हम लोग का आदत है, मैंने आदत है। वाह अरे सर, इसको तो साफ कराइए। तो हम क्या कर, वही तो करवा रहे हैं। आप लोग यहाँ पे आए, आप कम से कम एक एक वीडियो बना कर और इसको डाले होते सोशल मीडिया पर, तो अपने कुछ ना कुछ इसमें समाधान। बहुत कराए, कई बार पत्रकार आया, कई बार पत्रकार आके का वीडियो बना के ले गया। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होता है इसमें? नगर निगम वाले कभी आते हैं कि नहीं इसको दर्शन करने के लिए? नगर निगम का आएगा, बोले जब उसको कंप्लेन जाता है तब आता है, आता है देख कर चले जाता है। अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। देखिए ना, सात बार पानी खींचा, जैसे के तैसे तो है, सात बार सात टैंकर पानी खींच कर ले गया, लेकिन अभी तक प्रशासन कैसे निकलेगा? देखने कोई गया है? वही ना, कोई नहीं गया है। नहीं, जो गया होगा नाला हेल कर गया होगा। कैसे जाएगा नाला हेल कर, मोटरसाइकिल गिर जाता है एकदम। और लोग भी यहाँ पे से कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से हैं भैया आप?
छपरे से हैं। छपरा से ही है और देख रहे हैं कि यहाँ पे भगवान बाजार में कैसा तरह पानी लगा है, बताइए कैसे ये सब मैंने हमारा बिहार को विकसित करेगा। छपरा से सबसे बदहाली रास्ता जो है यही है, मैंने इस तरह का रास्ता मैंने मेन टाउन है, मेन टाउन में जो रास्ता है इससे नरक रास्ता कोई है ये नहीं है, समझ लिए ना। इसमें मंदिर है, सबसे बड़ा स्थापना मंदिर जो है वो अधमनाथ जी का मंदिर है, सब लोग इसी रास्ता से पूजा करने जाता है, ना नेता इस पे ध्यान देता है ना नगर निगम इस पे ध्यान देता है, इसीलिए लोग बोलता है कि नेता चोर हो गया है, नगर निगम एकदम वो भी चोर हो गया, और सरकार सुशासन की सरकार क्या करेगी यार, हमको समझ में नहीं आता है, झूठ मूठ के आप लोग कुर्सी लेकर बैठे हैं, कम से कम थोड़ा सा भी आप लोग शर्म कीजिए, जो श्रद्धालु पूजा करने जाएगा कैसे जाएगा आपके मुड़ी पे खड़ा होके, और यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक तो पूरा डॉक्टर है, और किसी कोई मरीज को ले जाना होगा तो कैसे जाएगा इसमें हेल कर। हाँ जो भी मरीज आता है उसके एगो मरीज आएगा उसके साथ 10 आदमी आएगा तभी मरीज जा पाएगा, ना तो मरीज को कोई चाहेगा अकेले उठा कर लाए मरीज, वैसा ही अभी तो पानी कुछ कम हुआ है, नहीं तो पानी पूरा भर जाता है, माने डांड भर पानी इसमें लगता है डांड भर। हाँ और जो नगर निगम वाले हैं उनके क्या द्वार पे डांड भर पानी होगा हो कभी, उसके द्वार पर टाइल्स होगा मार्बल होगा, नेता के द्वार पर टाइल्स। आप लोग कभी आवाज उठाए हैं इसको लेकर, आप लोग कभी आवेदन दिए हैं? आवाज कितना बार उठाया गया है कोई सुनेगा तब ना, कोई नहीं सुनता। ऊपर से ऊपर से चोर है तो नीचे कौन सुनेगा, नीचे तो और भ्रष्टाचार जाए। अच्छा यहाँ पे जो डीएम साहब है उनसे आप लोग कभी कंप्लेन किए हैं कि नहीं? डीएम साहब से भी हुआ है, इस पे वहाँ नगर निगम में भी हुआ है, सब जगह हुआ है, लेकिन कोई सुनेगा? सुनेगा तब ना, ऊपर से कार्रवाई होगा तब ना कोई सुनेगा। क्या कहता नहीं डीएम कहता है कि हाँ। पानी जाके टंकी ले जा सफाई कर। अच्छा मान के चले सड़क कब बनेगा, खाली पानी जो भी पानी बारिश आता है तो पानी साफ हो जाता है, लेकिन जब सड़कवा बन जाएगा ऊंचा तो पानी तो नहीं लगेगा? तो वो तो कहता है कि पानी का से तो काम खत्म, पानी का से तो काम खत्म। बाहर सरकार और बाहर यहाँ के नगर निगम, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, बताइए अब इनको जाना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि इनको कितना कष्ट हो रहा है, अगर आगे बाइक अगर आगे जाएंगे तो इनका जूता भीग जाएगा, और देखिए बच्चे को कैसे पकड़ रहे हैं, थोड़ा आ जाइए भैया, इस रास्ता से जा रहे हैं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, पानी में जा रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है जी। क्या करिएगा, मजबूरी है, क्या करेंगे, ये भी मजबूर है क्योंकि इनको जाना है, और जाएंगे यहाँ पे और आगे से जाम मिल जाएगा तो पूरा इनका खपड़ा खराब हो जाएगा, और किसी तरह आराम आराम से भैया निकल जाइए, जाना है इनको डॉक्टर के पास, और हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले, लेकिन जो भी है और हम पानी में है देखिए यहाँ पे, लेकिन उन लोगों से भी हम कुछ पूछते और कुछ बात करते कि यहाँ पे जो सरकार है और जो सुशासन की सरकार है कुछ बस कुछ इसमें आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार अपना भी इसमें घर बनवाइए और नाला हेल कर जाइए तब हमको भी मजा आएगा, और यहाँ के आम जनता भी कहेगी कि ना मुख्यमंत्री का भी नाला में घर है, कम से कम थोड़ा सा भी आप लोग शर्म कीजिए महाराज, अगर वीडियो खराब लगे तो बहुत बढ़िया सीएम जी और यहाँ के नगर निगम साहब जी, अगर वीडियो खराब लगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन एक काम कीजिएगा कि इसको आकर थोड़ा सा भी आप लोग देख लीजिए और इसको थोड़ा आप इन पे कार्रवाई कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।